आज का वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो अपने प्यार को शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और आप सबका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूँ। वैलेंटाइन डे आने वाला है और वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे पर कुछ खास करने का सोचते हैं युवा लोग। सोचते हैं कि माता पिता के पास अपने प्यार की बात को कैसे पहुँचाएँ और किस तरह से बात करें उनसे कि उनकी शादी भी हो सके, क्योंकि जब प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई भी इंसान ये तय कर लेता है कि भाई एक दूसरे से अपनी निभ रही है, बन रही है अच्छी, तो क्यों ना अपना रिश्ता जीवन भर के लिए रखा जाए। लेकिन हिचकिचाते हैं और कई बार रिश्ता अच्छा है या नहीं इसको लेकर कन्फ्यूज होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा प्यार करने वाले बिरले ही होते हैं, नहीं तो प्यार में कहीं ना कहीं स्वार्थ और लालच आ ही जाता है। लेकिन एक दूसरे को प्यार सच्चे दिल से करने में इंसान कुछ भी नहीं देखता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आपको पहली चीज़ तो, क्योंकि प्यार कहीं क्षणिक तो नहीं है, कहीं आवेश तो नहीं है, अट्रैक्शन मात्र तो नहीं है, इस चीज़ का आपको रखना पड़ेगा ख्याल। दूसरा, अपने घर की और कुल की मर्यादा का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि प्यार में अंधे होने पर ये मत भूल जाओ कि माँ बाप ने भी आपके लिए बहुत बड़े सपने सजाए हैं। माँ बाप के सपनों को तोड़ने में आपको एक झटका नहीं लगता। आप सोचते हैं मेरी ज़िंदगी, मैं कुछ भी तय करूं, मुझे जिससे शादी करनी है मैं उसी से शादी करूंगी, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बार बार आप एक ही शब्द बोलते हो ना, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आपने ये सोचा कि ये जो ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है आप बार बार बोल रहे हो, ये ज़िंदगी आपको दी किसने है? ये ज़िंदगी आपको आपके माता पिता ने ही दी है। तो क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि उनकी खुशियों का ख्याल करो? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्यार में अपरिपक्व निर्णय ले लेते हैं और उनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, पर बेसिकली ऐसा नहीं होता है। ऐसे मैंने बहुत से रिश्ते देखे हैं जो जिनको लगता था कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उनकी शादी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर हुई और वो बहुत सुखी हैं अभी, बहुत सुखी हैं अभी। तो आप ये मत सोचना कि ज़िंदगी यहीं तक आकर ठहर गई है। ज़िंदगी बहुत अंगड़ाइयाँ लेती हैं, ज़िंदगी बदलती है रंग बहुत तरह के। अभी आप जिसको अपना फाइनल सिलेक्शन समझ रहे हो सकता है वो फाइनल सिलेक्शन ना हो। और मैं, चाहे आप एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते और एक अनुभवी महिला होने के नाते मेरा ये सजेशन है आपको, अपने माता पिता के खिलाफ ना जाएं। आपके माता पिता जितना आपका भला सोचते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं सोचता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि आप विवाह की बातचीत माता पिता से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों जब राजी हों तभी विवाह करना उत्तम रहता है। क्योंकि अगर एक, अभी मेरे पास कमेंट में ऐसे ऐसे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जिन्होंने लव मैरिज तो कर ली थी, अब वो माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहे हैं। इंसान के पास जब जो चीज़ होती है ना तो उसकी कदर नहीं करता वो। आपके पास माँ बाप है ना तो आज आपको माँ बाप की कदर नहीं हो रही। आज आपके पास प्रेमी प्रेमिका नहीं है तो आप उनके लिए तड़प रहे हो। ये जवानी का उबाल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके दूसरे पक्ष को देखोगे ना तो आपको एक अपना सुखमय भविष्य नज़र आएगा बिना प्रेमी या प्रेमिका के भी। उस बारे में ज़रा सोच के देखना। और आपका प्रेमी जो या प्रेमिका अभी आज जो आपको अच्छे लग रहे हैं, शादी के बाद उनकी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो आपको अचानक से पता चलेंगी और फिर आपका दिल टूट भी सकता है। तो इसलिए अच्छा अच्छा ना दिखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे की कमियों को भी शेयर करें। अगर आपका रिश्ता में मजबूती चाहते हैं प्रेमी प्रेमिका, तो एक दूसरे की कमियों को भी शेयर करें। प्रेमिका सिर्फ तैयार सजधज कर प्रेमी पर ये इंप्रेशन नहीं डाले कि वो एक सजावटी गुड़िया है। वो अपने वीक पॉइंट भी बताए कि उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको गुस्सा आता है, वो किसी को जवाब दे देती है, वो घर वालों की नहीं सुनती। और लड़का जो ये बोले कि आज तुझे पिज़्ज़ा बर्गर खिला के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खिला रहा हूँ, सब मेरे बाप का दिया हुआ है, मेरा कमाया हुआ एक रुपया भी नहीं है, तो ये चीज़ भी प्रेमिका को बताओ। तो यहाँ कुल मिला के मैं आपको यही बोल रही हूँ, इसको दूसरे अर्थों में अगर आप समझोगे तो ये है कि ऊपरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता जरूरी है। लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो, लड़की भी आज के ज़माने में अपने पैरों पे खड़ी होनी ज़रूरी है, लेकिन लड़का अगर कुछ भी ना कमाए तो शादी के दूसरे दिन ही आपका दिल 100% टूटेगा और आप एक तरह के फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। तो इसलिए ज़िंदगी की हकीकत को समझो, पैरों पे खड़े होना सीखो। वो आपकी आपकी जो शिक्षा, आप जिस भी प्रेम के चक्कर में जो आपने अटका रखी है, अधूरी छोड़ रखी है, उसको पूरा करो पहले। ये चीज़ें कड़वी भले ही लगती हों, आपने देखा होगा ना कि सड़े हुए ठेलों पर जहाँ बहुत गंदगी से गोलगप्पे बन रहे हैं भीड़ लग जाती है, लेकिन जहाँ कोई कड़वी दवा किसी को खाने को दी जाए वहाँ लोग भागते हैं, वहाँ नहीं जाता कोई भी। अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस अच्छी चीज़ के मूल में क्या है? तो यहाँ मैं किसी ठेले वाले पे कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने भी ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ आपको पता चला होगा कि पैरों से लोग आटे को गूंथ रहे हैं, मैंने भी देखा इस तरह का। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या परोस रहे हो, क्या खिला रहे हो। तो यहाँ मैं आपको यही कह रही हूँ कि ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी हकीकत है, उसको समझने की कोशिश करो, ख्याली दुनिया में मत रहो। प्यार के अंधे
सुकून में मत रहो, वो क्षणिक क्षण भर का है जब जिंदगी की हकीकत से सामने होगा, जब आटा दाल लेकर आना पड़ेगा, जब घर के खर्चे चलाने पड़ेंगे, तब आपको जिंदगी की हकीकत का एहसास होगा कि प्रेम से पेट नहीं भरता, मीठी मीठी बातों से आई लव यू कहने से ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इसके लिए इंसान को परिश्रम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। और अभी तक जो अपने माँ बाप के बदौलत फूल रहे हैं, माँ बाप की बदौलत गाड़ियों में घूम रहे हैं, ज़रा अपने आप को एनालिसिस करके देखिए आप कि आप किस ज़मीन पर खड़े हो, किसके बूते पर खड़े हो। तो माँ बाप का अपमान करने से पहले, उनके खिलाफ जाने से पहले 10 बार सोचो। जीवन साथी का चयन कोई बहुत अधकचरी प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए बहुत मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। और जिसको आप प्यार समझते हो, बेसिकली वो प्यार होता ही नहीं है। अगर प्यार सच्चा होता तो मैक्सिमम जो लव मैरिज के केसेस टूटते हैं शादी के बाद, उनमें झगड़े होते हैं, उठा पटक और तलाक होती है, नहीं होते। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि प्यार सच्चा प्यार सच्चा, अरे क्या सच्चा प्यार, जिन्होंने आपको पैदा किया, जब आप उनके खिलाफ जाकर शादी कर रहे हो, मतलब जिन्होंने, जिनकी वजह से आप दुनिया में आए हो, जब आप उनको ही सच्चा प्यार नहीं कर पा रहे, उन्हीं के सगे नहीं हुए, तो आप किसी अनजान व्यक्ति के क्या सगे होंगे। तो लड़का और लड़की को भी समझना चाहिए कि जो अपने माँ बाप की बुराई करता है, उनके खिलाफ जाता है, तो वो आपका क्या सगा होगा। अरे जिन्होंने दुनिया में पैदा किया है, आज उनके खिलाफ खड़ा होकर आपके पास आ गया, तो आपका क्या होगा सगा वो। तो ज़रा सोचना इस बारे में। मेरा इंटेंशन आपको परेशान करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको ज़िंदगी की हकीकत से सामना कराना है कि आप जिन माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हो सकता है आने वाले समय में आप उन्हीं के लिए तरसोगे।